हेलो एवरीवन, इट्स मी रंजना कौशिक। सो लास्ट वीडियो में हमने प्योर रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी को कंप्लीट किया था। आज का वीडियो है मॉलिक्यूल्स के बारे में। जैसे कि हम हर साल देखते क्वेश्चन आता है कि बताइए कि कौन से मॉलिक्यूल्स रोटेशनली एक्टिव है, वाइब्रेशनल एक्टिव है या रमन एक्टिव है। सो मोस्ट ऑफ द हम देखते हैं कि सभी मॉलिक्यूल्स रमन एक्टिव मिलते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। अगर आपको पूछते हैं रमन एक्टिव तो आप इजीली बता सकते हैं, बट अगर आपको पूछते हैं प्योर रोटेशनल एक्टिव तो उसमें आपको फाइंड आउट करना पड़ता है। और साथ ही हम देखेंगे कि ये फाइंड आउट कैसे करेंगे, और उसके अलावा हम देखेंगे कि वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रा में किस तरह से स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, और उसके साथ में वो रमन एक्टिव से इनएक्टिव हो जाता है। और इसके एग्जाम्पल्स लेंगे हम H2O और CO2 का, और उसे हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, जब मैंने आपको रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी बताया था तो मैंने आपको कहा था कि रोटेशनली एक्टिव होने के लिए कंडीशन है कि मॉलिक्यूल में परमानेंट डाइपोल होना चाहिए। दैट मीन जैसे कि HCl या NO, इस टाइप के मॉलिक्यूल जिनमें एक इलेक्ट्रोनेगेटिव या एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो तो आपको डायरेक्ट डाइपोल दिखता है, प्लस नेगेटिव चार्ज आपको इजीली दिखता है। सो वो सिर्फ रोटेशनली एक्टिव होते हैं। अदर जिनमें फिक्स डाइपोल नहीं है या डाइपोल कैंसिल आउट हो जाता है तो वो रोटेशनली इनएक्टिव होते हैं। वाइब्रेशनल के लिए मैंने आपको कहा था कि चेंज इन डाइपोल होना चाहिए। दैट मीन जैसे कि एग्जाम्पल H2O या CO2, मतलब कि CO2 क्योंकि लीनियर स्ट्रक्चर होती है तो यहाँ पे डाइपोल क्रिएट होगा, वो यहाँ पे क्रिएट डाइपोल को कैंसिल आउट कर देता है तो टोटल डाइपोल जीरो हो जाता है। सो इस कंडीशन में क्या हो जाता है कि ये वाइब्रेशनली एक्टिव क्यों है, कि ये पहले यहाँ पे क्या था, डाइपोल नहीं था, बट अगर यहाँ पे मैं स्ट्रेचिंग करवाऊँ तो एक साइड में डाइपोल क्रिएट हो जाएगा, तो उसे क्या बोलेंगे, वाइब्रेशनली एक्टिव। ये मैंने आपको कम्प्लीटली समझाया था, आप इसकी वीडियो देख सकते हैं, मैं लिंक दे दूंगी। सो ये इसकी कंडीशन हो गई। अब ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें डाइपोल ना तो क्रिएट हो रहा है, ना उनमें चेंज हो रहा है, ना उनमें पहले था ना उनमें बाद में हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड या कुछ भी स्ट्रेचिंग करने पे, सो उनका क्या होगा, जैसे कि H2। सो ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं रमन एक्टिव। रमन एक्टिव के लिए कंडीशन होती है चेंज इन पोलराइजेबिलिटी विद द मोशन, मतलब अब चाहे आप रोटेशन कराओ चाहे आप वाइब्रेशन कराओ, अगर किसी मॉलिक्यूल की पोलराइजेबिलिटी में चेंज होता है तो वो रमन एक्टिव होते हैं। सो बेसिकली हम सभी को रमन एक्टिव मानते हैं। जैसे कि इससे देखिए रिलेटेड क्वेश्चंस भी आए हुए हैं, मैं बताती हूँ। पहला क्वेश्चन आया हुआ है, रमन एक्टिव मॉलिक्यूल है बट आयर इनएक्टिव है। सो देखिए आयर इनएक्टिव के लिए क्या है कि उसके अंदर डाइपोल में चेंज होना चाहिए, ठीक है। HCl में क्योंकि डाइपोल है सो ये आयर एक्टिव है। Br के अंदर भी डाइपोल है, ये भी आयर एक्टिव है। CH2 भी आयर एक्टिव है, बट H2 में क्योंकि कोई डाइपोल में चेंज आ ही नहीं रहा, H2 लीनियर है, भले आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओ या कुछ भी बदलाव लगाओ यहाँ पे कोई भी डाइपोल क्रिएट नहीं होगा, इसलिए ये आयर इनएक्टिव है और रमन एक्टिव है। माइक्रोवेव एंड रमन एक्टिव। सेकेंड क्वेश्चन में पूछता है कि दोनों बताइए कि जो माइक्रोवेव भी एक्टिव हो और रमन एक्टिव भी हो। तो देखिए हम बेसिकली ये मान के चलते हैं कि सभी मॉलिक्यूल्स रमन एक्टिव होते हैं, ठीक है। सो रमन एक्टिव के लिए आपको देखने की जरूरत ही नहीं। वेव माइक्रोवेव के लिए हमें क्या चाहिए, परमानेंट डाइपोल। सो यहाँ पे देखिए CH4 में डाइपोल नहीं है, C2H4 में भी डाइपोल नहीं है, N2O और CO2 आप यहाँ पे अटकते हैं। तो अब CO2 में देखेंगे, मैंने अभी आपको बताया कि CO2 में क्योंकि लीनियर स्ट्रक्चर होती है तो जब तक आप इसमें कोई स्ट्रेचिंग नहीं करवाएंगे तब तक यहाँ पे कोई भी डाइपोल क्रिएट नहीं होगा, यहाँ का डाइपोल यहाँ के डाइपोल को रिड्यूस कर देगा, टोटल डाइपोल जीरो हो जाएगा। सो यहाँ पे भी डाइपोल नहीं है, बचा है कौन सा, सिर्फ N2O। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा N2O। सो इस टाइप से क्वेश्चन आए हुए हैं, बट क्वेश्चन ये है क्या सभी मॉलिक्यूल्स रमन एक्टिव होंगे। इतनी अच्छी स्पेक्ट्रोस्कोपी है कि सभी मॉलिक्यूल्स को बता सकती है। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने आपको कहा था कि इसके दो पार्ट होते हैं, प्योर रोटेशनल या वाइब्रेशनल रमन। सो देखो कि जो प्योर, अगर आप अभी तक जो हमने क्वेश्चन किए उसमें क्या पूछा था, रमन एक्टिव, कहीं भी ऐसा नहीं लिखा था कि आपको प्योर रोटेशनल रमन एक्टिव बताना है। तो मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपको क्वेश्चन में पूछता है किसी मॉलिक्यूल के लिए कि ये प्योर रोटेशनल रमन एक्टिव है कि नहीं, तो उसमें आपको चेंज मिलेगा
जबकि अगर आपको पूछता है वाइब्रेशनल एक्टिव के लिए, तो वाइब्रेशनल मॉलिक्यूल सभी एक्टिव होते हैं, सिर्फ उनके जो मोड्स है, कोई स्ट्रेचिंग मोड एक्टिव होगा तो एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग मोड इनएक्टिव होगा, सिर्फ यहाँ पे चेंज आता है, मोड्स पे चेंज आता है, पर मॉलिक्यूल सभी वाइब्रेशनल रमन एक्टिव होते हैं। सो पहले बात करते हैं प्योर रोटेशनल के लिए। बट एक बात देखो कि जब मैंने आपको रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी करवाया था, तो मैंने आपको टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स बताया था, जिसमें से एक था लीनियर, जो हमने पढ़ लिया कि हाँ ये प्योर रोटेशनल रमन के लिए एक्टिव होते हैं। सेकेंड टाइप होते हैं सिमेट्रिक टॉप, सिमेट्रिक टॉप लाइक आपको एग्जांपल देती हूँ डीसीओ के। अब देखिए कि ये प्लेनर स्ट्रक्चर है, यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया है, तो पोलराइजेबिलिटी आपको देखनी है। तो यहाँ पे देखिए कि इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन सीधा इलेक्ट्रिक फील्ड में आ रहे हैं, तो ये पोलराइजेबल है, बट क्योंकि इन दोनों क्लोरीन के बॉन्ड इलेक्ट्रॉन कुछ इस टाइप से, तो इनकी पोलराइजेबिलिटी इतनी नहीं होगी जितनी यहाँ पे होगी। अब अगर मैं इसको रोटेट करवाती हूँ, रोटेशन क्यों, क्योंकि हम रोटेशनल प्योर रोटेशनल पढ़ रहे हैं। रोटेट करवाया मैंने, सो इसकी स्ट्रक्चर अगर मुझे कुछ इस तरह की मिले, ठीक है, इस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहीं से अप्लाई हो रहा है। इस कंडीशन में देखो कि एक क्लोरीन ऊपर है और दो क्लोरीन नीचे, यहाँ बीच से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो रहा है। सो इस कंडीशन में क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्ट बोरोन से पास आउट हो जाएगा, पोलराइजेबिलिटी डायरेक्ट इतनी नहीं होगी। सो क्या हो रहा है कि यहाँ पे ज्यादा पोलराइजेबल था, यहाँ पे कम है, तो चेंज इन पोलराइजेबिलिटी आ रहा है। सो सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, मैंने कहा कि रमन के लिए क्या होना चाहिए, चेंज इन पोलराइजेबिलिटी विद द मोशन, रोटेशन के साथ में पोलराइजेबिलिटी चेंज हो रही है, इसलिए सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल प्योर रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा के लिए एक्टिव होते हैं, ठीक है। अब थर्ड टाइप करते हैं, थर्ड टाइप है एसिमेट्रिक टॉप। एसिमेट्रिक टॉप जैसे कि एग्जांपल देती हूँ मैं आपको H2O, ठीक है, इसको ध्यान से देखना कि मान लो कि यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, ओके। सो ये प्लेनर स्ट्रक्चर है, यहाँ से मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, यहाँ से मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, तो ठीक है, यहाँ पे थोड़ी पोलराइजेबिलिटी होगी, यहाँ पे भी थोड़ी होगी, उतनी ज्यादा नहीं होगी, बट कुछ तो होगी। अब अगर मैंने रोटेशन करवाया, जस्ट इमेजिन कि यहाँ इस तरह से था, मैंने इसको इस तरह रोटेट कर दिया, तो एक हाइड्रोजन बाहर आ गया, एक हाइड्रोजन पीछे चला गया, बीच में ऑक्सीजन है। सो अगर स्ट्रक्चर बनाऊंगी तो कुछ इस तरह की बनेगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑक्सीजन से पास आउट हो रहा है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई भी पोलराइजेबिलिटी नहीं हो रही, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे बिल्कुल भी इंट्रैक्ट नहीं हो रहा, BCl3 में फिर भी थोड़े बहुत थे, कुछ ना कुछ इंट्रैक्शन था, सो यहाँ पे तो जीरो हो गया। चलो और रोटेशन करवाया, सो यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों हाइड्रोजन आपस में चेंज हो जाएंगे, सेम स्ट्रक्चर मिलेगी बट दोनों हाइड्रोजन चेंज हो जाएंगे। सो इस कंडीशन में क्या हुआ कि आपको रोटेशन के बाद में जो इसका पोलराइजेबिलिटी थी उतनी ही आफ्टर रोटेशन मिली, सो कोई खास चेंज नहीं हुआ पोलराइजेबिलिटी में मोशन के साथ में। क्यों, क्योंकि इस कंडीशन में तो बिल्कुल भी पोलराइजेबिलिटी थी ही नहीं, दोनों आउट ऑफ द प्लेन थे, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पोलराइज हो ही नहीं सकते थे, इसलिए एसिमेट्रिक टॉप क्या होते हैं, प्योर रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा के लिए इनएक्टिव। अब एक टाइप होता है स्फेरिकल टॉप। स्फेरिकल टॉप के लिए देखो एग्जांपल, जैसे कि CH4। अब देखना कि CH4 है, चारों साइड पे आपके हाइड्रोजन है, ठीक है, इस तरह की स्ट्रक्चर है इसकी, यहाँ पे मैं तो 5 फिंगर से एक को रिमूव कर दो, 4 मान लो, ठीक है, यहाँ पे जिस इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो रहा है, ठीक है, ये पोलराइज हो रहा है, ये पोलराइज कुछ कम हो रहा है, ये पोलराइज हो रहा है, ठीक है, ये जो आउट ऑफ द प्लेन और बाहर और बिलो द प्लेन है, ये कम हो रहा है, बट जो प्लेन में है वो पोलराइज हो रहे हैं। अगर मैंने इसको रोटेट करवाया, मान लो कि मैंने इसको रोटेट करवाया, स्ट्रक्चर उल्टी हो गई, इस कंडीशन में क्या होगा, सेम कंडीशन, जो आउट ऑफ द प्लेन और बिलो द प्लेन है वो पोलराइज नहीं होंगे, बट जो साइड में है वो पोलराइज होंगे, कुछ ना कुछ तो पोलराइज होंगे, कुछ ना कुछ तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होगा ही। सो इस कंडीशन में क्या हो रहा है, कोई चेंज नहीं हो रहा, यहाँ पे भी दो हाइड्रोजन हो रहे थे, यहाँ पे भी दो हाइड्रोजन ही हो रहे हैं,
सेम कंडीशन जा रही है। सो स्फेरिकल टॉप भी क्या हो रहे हैं, पोलराइजेबिलिटी के साथ मोशन के साथ में चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए ये क्या होते हैं, इनएक्टिव। सो ये मैंने बात की प्योर रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा की। यहाँ पे देखिए लीनियर मॉलिक्यूल्स एक्टिव होते हैं, सिमेट्रिक टॉप एक्टिव होते हैं, बट एसिमेट्रिक टॉप एंड स्फेरिकल टॉप मॉलिक्यूल्स प्योर रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा के लिए इनएक्टिव होते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम रमन स्पेक्ट्रा देखते हैं तो हम सोचते हैं कि सभी एक्टिव होंगे, बट प्योर रोटेशनल अगर आगे लिख दिया है तो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब बात करते हैं वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी की, कि उसको उसमें आप किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं कि एक्टिव मोड कौन से और इनएक्टिव मोड कौन से। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल मैंने लिया है H2O का, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल। यहाँ पे क्योंकि मैंने कहा कि वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में मॉलिक्यूल्स तो सभी एक्टिव होंगे, बस उनके मोड एक्टिव या इनएक्टिव होते हैं। पहला मोड मैं ले रही हूँ यहाँ पे सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग का। तो देखिए, आप जब भी कुछ अप्लाई करें तो पहले एक आइडल कंडीशन ले लीजिए जहाँ पे ना कोई स्ट्रेचिंग हो रही है ना कोई बेंडिंग हो रही है। तो मैंने मिडिल में सभी आइडल कंडीशंस लिए। तो मैंने आपको कहा था कि जब पोलराइजेबिलिटी को हम डिनोट करते हैं तो उसके लिए हम एक एलिप्सॉइड बनाते हैं, एलिप्सॉइड की स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसमें जो माइनर एक्सिस, दिस इज माइनर एक्सिस, ये बताता है कि यहाँ पे पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा है और मेजर एक्सिस पे पोलराइजेबिलिटी कम होती है। सो एलिप्सॉइड की जो शेप होती है या उसका साइज होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है पोलराइजेबिलिटी के, मतलब जितनी ज़्यादा पोलराइजेबल होगा उतना ही छोटा एलिप्सॉइड होगा। ये मैंने आपको पहले वीडियो में बता दिया था, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि आइडल कंडीशंस का कोई ना कोई इलिप्सॉइड मान के चलेंगे कि हाँ इसका कोई इलिप्सॉइड होगा, इसका भी पर्टिकुलर कोई इलिप्सॉइड होगा और इसका भी कोई इलिप्सॉइड शेप होगा, ठीक है। अब देखो सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग की बात करते हैं। यहाँ पे सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग दो तरह से हो सकती है, एक तो इस तरह से, जैसे मान लो कि मेरे पास में दो हाइड्रोजन है और यहाँ पे मिडिल में ऑक्सीजन है, दोनों बॉन्ड दूर जा रहे हैं, दोनों हाइड्रोजन दूर जा रहे हैं। तो जस्ट इमेजिन कि जब दोनों हाइड्रोजन दूर जाएंगे तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। सो देखो कि जब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है उनको ज़्यादा स्पेस मिल रहा है मूवमेंट करने के लिए, सो यहाँ पे ईजिली पोलराइजेबल होगा, पोल क्रिएट हो सकता है कंपेयर टू दिस बॉन्ड। सो जितना ज्यादा ये दूर जाएंगे, जितनी ज्यादा स्ट्रेचिंग होगी उतना ही क्या होगा, यहाँ पे इंक्रीज होगी पोलराइजेबिलिटी। और मैंने कहा था जितनी ज्यादा पोलराइजेबिलिटी यहाँ पे इंक्रीज होगी उतना ही इलिप्सॉइड छोटा होगा, सो इसका इलिप्सॉइड छोटा होगा। अब आइए यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे दूर जा रहे थे बट यहाँ पे दोनों ही हाइड्रोजन सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग करते हुए ऑक्सीजन के पास आ गए, तो इससे क्या होगा कि ये बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो रही है, जो पर्टिकुलर बॉन्ड लेंथ थी उससे ये बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो रही है, तो क्या होगा, यहाँ के इलेक्ट्रॉन लेस पोलराइजेबल होंगे। सो यहाँ पे पोलराइजेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज, जितनी लेस पोलराइजेबिलिटी उतना ही बड़ा इलेक्ट्रॉन। अब देखिए रूल कहता है कि मोशन के साथ में पोलराइजेबिलिटी में चेंज आए तो वो रमन एक्टिव होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे छोटा था यहाँ पे बड़ा है, मतलब मोशन के साथ में चेंज तो आया है, दैट मीन सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग रमन एक्टिव है, ओके। अब बात करते हैं एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग की। एक और बात मैं यहाँ पे साथ में IR भी क्लियर करवाती हूँ। IR के साथ में मैंने आपको कहा था कि H2O मॉलिक्यूल में जब सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग होगी तो क्या होगा, क्योंकि ये लीनियर नहीं है तो यहाँ पे भी एक पोल क्रिएट होगा, यहाँ पे भी थोड़ा पोलराइज हो जाएगा, इसलिए ये IR एक्टिव भी होता है, ठीक है। अब बात करते हैं एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग की। एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग में देखिए ये आइडल कंडीशन हो गई, यहाँ पे देखिए कि ये बॉन्ड इंक्रीज हो रहा है और ये बॉन्ड डिक्रीज हो रहा है, मीन कि यहाँ पे स्ट्रेचिंग हो रही है, ये अपनी नॉर्मल स्टेट पे ही है, बस ये वाला बॉन्ड क्या हो रहा है, थोड़ा एक्सपेंड हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इस साइड वाले बॉन्ड में जब एक्सपेंडेशन हो रहा है तो यहाँ पे पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो देखिए
से तो क्या होना चाहिए कि दोनों में इंक्रीज हो रही है, सेम हो रही है, एक एक नॉर्मल है तो एक एक्सपेंड हो रहा है, तो ये क्या होना चाहिए, रमन इनएक्टिव। बट देखिए क्योंकि यहाँ पे पोलैरिटी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में हो रहा है, इसलिए इसका इलिप्सॉइड की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, और इस वाले मॉलिक्यूल में इलिप्सॉइड की डायरेक्शन इस साइड हो जाएगी। सो ये भी एक कंडीशन है कि जहां पे साइज इंक्रीज ना हो बट डायरेक्शन भी चेंज आ जाए, वो भी रमन एक्टिव होते हैं। सो एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग भी रमन एक्टिव होगी, और एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग में क्योंकि एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग हो रही है, एक साइड से डायपोल क्रिएट हो रहा है, इसलिए डायपोल तो क्रिएट हो रहा है, चेंज इन डायपोल तो है। सो ये आईआर एक्टिव भी है। ये कंपैरिजन आपको बाद में मैं जब स्ट्रक्चर डिटरमिनेशन कराऊंगी वहां पे यूजफुल रहेगा, तो इसलिए मैं साथ में बता रही हूँ। अब बात करते हैं बेंडिंग की। बेंडिंग में देखिए कि जस्ट इमेजिन कि ये नॉर्मल स्टेट है, ओके, नॉर्मल स्टेट का मैंने लेफ्ट साइड बना लिया। अब दो तरह से बेंडिंग हो सकती है, या तो ये दोनों पास में आए या ये नॉर्मल स्टेट से और ज्यादा दूर जाए। पहली कंडीशन है कि जब दोनों हाइड्रोजन पास में आ रहे हैं, सो इस कंडीशन में देखिए कि बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज हो रहा है बॉन्ड एंगल, सो इस कंडीशन में क्या होगा, पोलराइजेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि इनको स्पेस नहीं मिल रहा है। सो यहाँ पे डिक्रीज हो रही है, जितना कम पोलराइजेबल उतना ही बड़ा इलिप्सॉइड, ठीक है। अब ये तो आइडियल स्टेट है, यहाँ पे देखिए कि ये दोनों दूर जा रहे हैं, दैट मीन कि ये बॉन्ड इतना था इतना हो रहा है, ठीक है। सो इस कंडीशन में क्या हो रहा है, पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज होगी क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा हो गई तो इजीली पोलराइजेबल हो सकते हैं। तो इस कंडीशन में पोलराइजेबिलिटी तो क्या हुई, इंक्रीज, तो इलिप्सॉइड का शेप यहाँ पे हो जाएगा डिक्रीज। तो अब देखिए कि यहाँ पे बड़ा था यहाँ पे छोटा हो रहा है, मतलब मोशन के साथ में चेंज आ रहा है, दैट मीन कि ये क्या है, रमन एक्टिव। और मैंने आपको कहा था कि साथ में जब यहाँ पे बेंडिंग होती है, दो मॉलिक्यूल्स, एक मॉलिक्यूल के दो एटम्स डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में जब बेंड होते हैं तो क्या होता है, आईआर एक्टिव। सो यहाँ पे दो तीनों ही हमारी कंडीशंस में रमन और आईआर एक्टिव होता है H2O मॉलिक्यूल के लिए। अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है CO2। CO2 में भी हम तीनों को स्टडी करेंगे, पहले सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग, ठीक है। देखो CO2 के स्ट्रक्चर लीनियर है, ये मैंने एक आइडियल कंडीशन ले ली, ठीक है। पहले आइडियल कंडीशन का इलिप्सॉइड बना लेते हैं, इजी हो जाएगा, तीनों के मैंने इलिप्सॉइड बना लिया। अब देखो पहली कंडीशन कि स्ट्रेचिंग हो रही है, दोनों ऑक्सीजन बाहर जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी, पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज होगी, यहाँ पे पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज हो रही है, दैट मीन कि इलिप्सॉइड का शेप कैसा होगा, डिक्रीज, जो नॉर्मल साइज था उससे छोटा इलिप्सॉइड आपको मिलेगा। नेक्स्ट कंडीशन में दोनों ऑक्सीजन अंदर की साइड स्ट्रेच हो रहे हैं, मीनिंग कि बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो रही है, ये नॉर्मल कंडीशन थी, एक्सपेंड हुआ देन दिस डिक्रीज हो रहा है और ज्यादा पास में आ रहे हैं, सो इससे बॉन्ड लेंथ और डिक्रीज हो गई, सो क्या होगा कि पोलराइजेबिलिटी यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगी, जितनी कम पोलराइजेबिलिटी उतना ही इलिप्सॉइड का शेप बड़ा होगा। सो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक कंडीशन में छोटा था एक कंडीशन में बड़ा है, सो मतलब मोशन के साथ में चेंज आया, दैट मीन कि ये क्या है, रमन एक्टिव। अब देखो आईआर का भी देख लेते हैं, मैंने कहा था आईआर जब बढ़ाया था कि यहाँ पे जो स्ट्रेचिंग हो रही है उसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक डायपोल क्रिएट होगा, यहाँ पे एक डायपोल क्रिएट होगा और दोनों एक दूसरे को रिड्यूस कर देंगे, ये स्ट्रेचिंग के इफेक्ट को खत्म कर देगी, इसलिए क्या है, आईआर इनएक्टिव। देखिए H2 में हमें सेम मिले थे बट यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है कि ये आईआर इनएक्टिव है। नेक्स्ट की बात करते हैं एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। यहाँ पे जो नॉर्मल कंडीशन का इलिप्सॉइड है वो मैंने विड्रॉ कर लिया है। फर्स्ट कंडीशन में देखिए कि इस कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को मैंने फिक्स रखा है, ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड एक्सपेंड हो रहा है, मतलब ये फिक्स थे बट ये वाला एक्सपेंड हो रहा है, तो पोलराइजेबिलिटी कहाँ पे ज्यादा होगी, यहाँ पे
यहाँ पे पॉलिनाइजेबल ज्यादा होगा, यहाँ पे पॉलिनाइजेबल ज्यादा हो रहा है, ठीक है। That means कि इसका भी कोई ना कोई इलिप्सॉइड तो जरूर होगा। अब यहाँ पे मैंने इस बॉर्ड लाइन को फिक्स कर दिया और इसे मैंने एक्सपेंड कर दिया, सो यहाँ पे पोलरिटी ज्यादा होगी कंपेयर टू दिस, तो इसका भी एक कोई इलिप्सॉइड होगा। सो अब देखो दोनों सेम ही है कि एक एक बॉन्ड इक्वल रह रहा है और एक बॉन्ड एक्सपेंड हो रहा है, तो क्या इलिप्सॉइड के साइड में कोई चेंज आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि दोनों में इक्वल पोलरिटी है। बट अब हम देखेंगे कि क्या डायरेक्शन में चेंज है। देखो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो रहा है, सो ऑब्वियस है कि जो H2O का मॉलिक्यूल था उसमें डायरेक्शन में भी चेंज हो रहा था। यहाँ पे सेम ही है कि दोनों कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ही है, दोनों के साथ में कोई डायरेक्शन में चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, रमन इनएक्टिव। ओके, आईआर एक्टिविटी देखते हैं। आईआर एक्टिविटी में देखिए कि यहाँ से जो स्ट्रेचिंग हो रही है एसिमेट्रिक, उससे इस साइड पे एक डायपोल क्रिएट हो जाएगा और यहाँ पे प्लस चार्ज रह जाएगा, सो चेंज इन डायपोल हो रहा है, इसलिए ये आईआर एक्टिव मोड है, ठीक है। थर्ड एग्जांपल देखते हैं। थर्ड में देखोगे मैंने यहाँ पे फिक्स जो स्ट्रक्चर थी वो बना लिया है। अब यहाँ पे वही है कि ये नॉर्मल कंडीशन थी, फिर यहाँ पे इस पोजिशन के लिए क्या हुआ, दोनों ऑक्सीजन आउट ऑफ द प्लेन है, थोड़ा बेंड हुए, ठीक है, यहाँ पे बेंडिंग हुए, सो इसका भी क्या हुआ, एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन में क्या हो रहा है कि ये मॉलिक्यूल नीचे की साइड बेंड हो रहा है, ठीक है। सो देखो कि अगर आप कंपेयर करोगे कि आप साइज किसे निकाले इलेक्ट्रॉन का, कि किसका ज्यादा हुआ किसका कम होगा, तो देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये ऊपर की साइड हो रहा है, ये नीचे की साइड हो रहा है, बट क्या इसमें डिफरेंस आ रहा है? जितना यहाँ पे जो पोलराइजेबल पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज हो रही थी कि ये दूर जा रहे थे, तो यहाँ पे जो डायपोल क्रिएट हो रहा था और ऐसे यहाँ पे जो डायपोल क्रिएट हो रहा है वो लगभग इक्वल है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, रमन इनएक्टिव। डायरेक्शन आप कहोगे कि डायरेक्शन देखिए कि ये ऊपर जा रहा था ये नीचे जा रहा है, सो देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो यहाँ से अप्लाई हो रहा है, दोनों ही कंडीशन में यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो रहा है, तो भले ही बेंडिंग नीचे हो या ऊपर हो, दोनों ही कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड तो मिड से होते हुए निकल जाएगा, इसलिए डायरेक्शन में भी कोई चेंज नहीं आ रहा, इसलिए ये रमन इनएक्टिव होता है। आईआर की बात करें तो आईआर में क्या होता है कि यहाँ पे पोलराइजेबिलिटी में चेंज नहीं आता, बट यहाँ पे डायपोल क्रिएट हो जाता है कि ऑब्वियसली ये थोड़े दूर जाएंगे बेंड होंगे, सो यहाँ पे क्या होता है हल्का सा नेगेटिव चार्ज लेता है और यहाँ पे थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज पॉसिबल है कि आ जाए, इसलिए यहाँ पे ये आईआर एक्टिव है। सब एक बात देखिए कि जो रमन एक्टिव था वो आईआर इनएक्टिव है, जो रमन इनएक्टिव था वो आईआर एक्टिव है, इसे बोलते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप स्ट्रक्चर डिटरमिनेशन करेंगे, और ये रूल किसके लिए फॉलो होता है, ऐसे लीनियर एटम्स जिनके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो, ध्यान रखिएगा ऐसे लीनियर मॉलिक्यूल जिनके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो, उनमें एक जो बॉन्ड रमन एक्टिव होते हैं वो आईआर इनएक्टिव होते हैं, और जो रमन इनएक्टिव होते हैं वो आईआर एक्टिव होते हैं, या इसके जस्ट अपोजिट। सो ये हमें इससे हम क्या करते हैं, जहां पे हमें इस तरह की फ्रीक्वेंसी मिलती है कि एक में रमन दे रहा है एक में नहीं दे रहा आईआर दे रहा है, सो उससे हम डायरेक्ट पता कर सकते हैं कि हाँ इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगा, सो मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर फाइंड आउट कर सकते हैं, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। सो अभी देखिए इसके लिए ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, तीन ग्राफ में बना के बताती हूँ आपको, जो हमें पीक्स मिलती है उनके अकॉर्डिंग। वाई एक्सिस बताता है पोलराइजेबिलिटी को और एक्स एक्सिस बता रहा है कि कितनी ज्यादा डिस्टेंस हो रही है। अब देखो जैसे जैसे स्ट्रेचिंग इंक्रीज हुई, जैसे जैसे एक्स इंक्रीज हुआ यानी पॉजिटिव में गया, वैसे वैसे पोलराइजेबिलिटी भी क्या हुई, इंक्रीज हुई, इलेक्ट्रॉन छोटा है सो ये इंक्रीज हो रही है। देन ये आइडियल कंडीशन है,
देन जब पोलैरिटी कम हुई, दूरी कम हुई यानी बॉन्ड पास में आए, ठीक है, तो इलिप्सॉइड का आकार बढ़ा और साथ में क्या हुआ, पोलैरिटी डिक्रीज हुई, लाइक दिस, इस तरह का ग्राफ आएगा। सेकेंड कंडीशन में देखो कि यहाँ पे भी पोलैरिटी इंक्रीज तो हो रही है, बट फर्स्ट कंडीशन से कंपेयर करो, यहाँ पे दोनों स्ट्रेच हो रहे थे, यहाँ पे सिर्फ एक बॉन्ड स्ट्रेच हो रहा है, तो कंपेयर टू सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग, एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग में जो पोलैरिटी इंक्रीज हो रही है वो थोड़ी कम है, सो इसका ग्राफ कुछ इस तरह आएगा जब ये इंक्रीज होगा, ठीक है। अब जब डिक्रीज, जब ये इस सेकेंड कंडीशन की बात करेंगे तो यहाँ पे भी सेम है कि जब नेगेटिव में जाएगी वैल्यू तब भी नेगेटिव तो होगा बट उतना नेगेटिव नहीं होगा जितना कि सिमेट्रिक मोड में हो रहा था। अब बेंडिंग की बात करते हैं, बेंडिंग में देखो कि बेंडिंग में क्या हो रहा है, यहाँ पे ये आइडियल कंडीशन है, यहाँ से जब बेंड हो रहा है, जब बेंड हो रहा है तो एक मोमेंट आएगा कि ये पूरा बेंड हो जाएगा और जीरो हो जाएगा, मतलब जैसे जैसे पॉजिटिव में जा रहा है वैसे वैसे पोलैरिटी डिक्रीज हो रही है, ठीक है। फिर ये आइडियल कंडीशन में आया, उसके बाद में जब नीचे की साइड बेंड होगा, नीचे की साइड बेंड होगा तब भी एक कंडीशन आएगी जब 90 डिग्री हो जाएगा और उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, पोलैरिटी लगभग जीरो हो जाएगी, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह का आएगा। इस ग्राफ का क्या यूज है कि जब हम डेरिवेटिव लेते हैं डी अल्फा अपॉन डी एक्स, सो फर्स्ट ग्राफ के लिए क्या ये कभी जीरो होगा, नहीं होगा क्योंकि ये इंक्रीज हो रहा है, इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये पूरी तरह एक्सपेंड हो रहा है, क्या ये जीरो है, नहीं ये जीरो नहीं है, बट ये लगभग जीरो, मतलब इसको अगर आप बहुत ज्यादा एक्सपेंड करेंगे तो ये लगभग यहाँ तक जाएगा, छोटी अगर कम आपकी पोलैरिटी हो रही है तो इसके लिए आपको इसकी मिले वैल्यू भी कंपेयर टू दिस कम मिलेगी, तो ये लगभग जीरो होगा, इससे थोड़ा कम होगा, लगभग जीरो, और यहाँ पे तो ये ऑलमोस्ट जीरो हो ही जाता है, ऑलमोस्ट जीरो, इसलिए डी अल्फा अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। सो जैसा कि रूल कहता है कि जहां पे पोलैरिटी जीरो हो जाती है, जीरो हो जाती है, सो वो क्या हो जाएंगे, रमन इनएक्टिव, इसीलिए एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग और बेंडिंग मोड्स रमन इनएक्टिव होते हैं, जबकि स्ट्रेचिंग मोड में यहाँ पे क्योंकि नॉट इक्वल टू जीरो, ये जीरो नहीं हो रहा है और इंक्रीज हो रहा है इस कंडीशन में, सो ये क्या हो जाएंगे, रमन एक्टिव। अब देखिए सीएसआर नेट में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, आपको इथाइलिन मॉलिक्यूल दिया था और पूछा था कि ये आईआर एक्टिव है, रमन एक्टिव है या फिर दोनों ही एक्टिव है, तो देखिए जैसा कि मैंने आपको प्रिंसिपल बताया, तो मैंने आपको क्या कहा था, जिनके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होता है वो मॉलिक्यूल्स या तो रमन एक्टिव होंगे या आईआर एक्टिव होंगे, मतलब दोनों सेम नहीं होते, अगर आईआर एक्टिव है तो रमन इनएक्टिव होंगे। तो यहाँ पे देखो कि आपको बेंडिंग के मोड दिए हुए हैं, तो देखिए यहाँ पे ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में बेंड हो रहा है, ये इस डायरेक्शन में बेंड हो रहा है, ये इस डायरेक्शन में बेंड हो रहा है, सो दोनों एक दूसरे की जो बेंडिंग फ्रीक्वेंसी हो रही है उसको नेगलेक्ट कर देंगे, इसी तरह से ये दोनों हाइड्रोजन भी अपोजिट साइड में हो रहे हैं, इसलिए ये भी क्या कर देंगे, इसको नेगलेक्ट कर देंगे, स्ट्रेचिंग हो रही है, बेंडिंग नहीं हो रही क्योंकि इन द प्लेन है, सो ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर देंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, कोई चेंज नहीं हो रहा, दोनों का इफेक्ट जीरो हो जाएगा, इसलिए ये क्या है, आईआर इनएक्टिव। बट देखो अब हम देखेंगे इसके अंदर क्या सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, कि हाँ आप अपोजिट सेंटर से अगर आप दोनों में अपोजिट डायरेक्शन में जाओगे तो दोनों साइड पे आपको हाइड्रोजन मिलेंगे, मतलब सेंटर ऑफ सिमेट्री आई यहाँ पे प्रेजेंट है, सो ये क्या होगा, अगर ये आईआर इनएक्टिव है सो ये रमन एक्टिव होगा, सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, रमन एक्टिव, क्यों, क्योंकि ये पॉलीरेजिबल तो हो सकता है, मैंने अभी आपको बताया कि इसका बेंडिंग मोड कैसा होता है, रमन एक्टिव होता है, सो इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि किस तरह की आपको मॉलिक्यूल दिए हुए हैं, स्ट्रक्चर डिटरमिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस हम करेंगे आने वाले वीडियोस में, सो इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।